पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पढ़े, प्रदोष पढ़े, शिवरात्रि पढ़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पढ़ रहे हो, कार्तिक में चार पांच जो सोमवार पढ़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवदिदे महादेव के ऊपर, ये दो जगह पर अवश्य चलो। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चलो। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है, देव अधिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है, भगवान सदानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस सदानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने सदानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया, कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीप दान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया सदानंद कार्तिकेय। भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा सदानंद कार्तिकेय, इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी आने वाली किसी भी अपडेट को मिस ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।